इधर आईसीएमआर के वैज्ञानिक समीरन पांडा का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि चीन में 60% लोगों के संक्रमित होने का अनुमान है। भयावह आंकड़ों की वजह से चीन में पैनिक है, लोग डरे हुए हैं, चिंता में हैं। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत लोग संक्रमण से दूर थे, पहली बार लोगों के संक्रमण का खतरा अब ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी ढिलाई तो की गई है चीन की तरफ से। चाइना से जो खबर मिल रहा है कि आंकड़ा उधर बढ़ते जा रहा है कोविड का, SARS-CoV-2 जो वायरस से कोविड-19 डिजीज हो रहा था उसका जो आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है। और एपिडेमियोलॉजिस्ट ने भी प्रोजेक्शन किए हैं कि आने वाला 3 महीना में ये आंकड़ा चाइना में 60% ऑफ द पीपल देयर, सारे जो आम आदमी हैं उसमें 60% में ये संक्रमण फैल सकता है, और दुनिया में 10% बंदा का अंदर ये संक्रमण फैल सकता है। तो इसीलिए एक आतंकित या भयभीत का वातावरण तैयार हो गया और सभी ने पूछ रहा है, सोच रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कंट्रीज आर डिफरेंट नाउ। 2019 में जो स्थिति था उसमें सारे कंट्रीज एक जैसे ही थे, लेकिन अभी संक्रमण जिस तरीके से आगे बढ़ा, वैक्सीनेशन कवरेज जिस तरीके से हुई, ये सब मिला के सारे देश एक जैसा हम नहीं सोच सकते हैं।